उत्तर प्रदेश में आज पांचवें चरण की वोटिंग जारी। 12 जिलों की 51 सीटों पर सुबह 9 बजे तक करीब 11% वोटिंग। अमेठी में रानी अमिता सिंह ने पति संजय सिंह के साथ डाला वोट। कांग्रेस उम्मीदवार हैं अमिता। अमिता और संजय सिंह ने किया जीत का दावा। कहा राजघराने की जंग में साबित हो जाएगा कौन है असली रानी। वोट डालने से पहले अमिता सिंह ने पति संजय सिंह के साथ लिया भगवान का आशीर्वाद। शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। अमेठी में अमिता सिंह की टक्कर संजय सिंह की पूर्व पत्नी गरिमा सिंह से। बीजेपी उम्मीदवार हैं गरिमा सिंह। पूर्व महारानी ने आज तक से कहा जनता तय कर देगी असली महारानी कौन। अमेठी में एसपी उम्मीदवार गायत्री प्रजापति भी मैदान में। प्रजापति ने सुल्तानपुर में किया मतदान। रेप के आरोपी प्रजापति का दावा। महारानियों की जंग में मैं फिर बनूंगा विधायक। यूपी में बनेगी एसपी की सरकार। अयोध्या में महंत ज्ञान दास ने डाला वोट। हनुमानगढ़ी अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष का दावा जनता को विकास के साथ चाहिए राम मंदिर। बीजेपी सांसद विनय कटियार बोले बीजेपी सबकी पार्टी। मुसलमानों का पार्टी से जुड़ना या न जुड़ना उनकी मर्जी। सिद्धार्थनगर में वोटिंग जारी। सुबह से ही लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी में गधे की सियासत पर बोले बीजेपी नेता। सुब्रमण्यम स्वामी का समाजवादी पार्टी से सवाल। उसके नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सरदार पटेल भी गधा है क्या। सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर जेटली पर किया वार। बोले पीएम मोदी की नोटबंदी की कल्पना अच्छी थी लेकिन वित्त मंत्रालय की तैयारी कमजोर थी। यूपी की गधा पॉलिटिक्स में कूदी लेफ्ट। सहरसा पहुंची वृंदा कारात ने अच्छे दिन की कहानी सुनाकर पीएम पर कसा तंज। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारे तो अच्छे दिन आ गए। तो गधा ने जवाब दिया कि मैं गधा हूँ बेवकूफ नहीं। वृंदा कारात ने पीएम मोदी पर यूपी में सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगाया। आरएसएस को बताया राष्ट्र सर्वनाश समिति। उपन्यासकार चेतन भगत ने कांग्रेस को दी नसीहत। कहा राहुल नहीं कर पा रहे ठीक से काम। आडवाणी की तरह उन्हें बदलने की जरूरत। पीएम वर्सेस राहुल नहीं वर्क कर रहा है मतलब नथिंग पर्सनल। अभी कई बार जैसे आडवाणी जी भी नहीं वर्क कर रहे थे तो उन्होंने बदला फिर आडवाणी जी को। चेतन भगत ने फिल्मी हीरो का दिया उदाहरण। बोले जो जनता को नहीं आता पसंद निर्माता उसे बदलकर नया हीरो सामने लाते हैं। चेतन भगत के मुताबिक पीएम मोदी ने बरकरार रखी है लोकप्रियता लेकिन बहुत कमजोर हो गया है विपक्ष। ये लोकतंत्र के लिए घातक। डीयू में उमर खालिद के व्याख्यान को लेकर आयसा और एबीवीपी के समर्थकों में घमासान जारी। मारपीट का शिकार हुआ शिक्षक फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हालत नाजुक। रामजस कॉलेज में तेज हुई आयसा वर्सेस एबीवीपी की जंग। छात्रा गुरमेहर कौर ने एबीवीपी पर लगाए गंभीर आरोप। डीयू जस कॉलेज की कई छात्राओं ने आयसा और एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया। प्रेरणा भारद्वाज ने एबीवीपी के समर्थन में सोशल मीडिया में डाली पोस्ट। दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र देश की संप्रभुता पर चोट की इजाजत नहीं देता। सूरत में दिन दहाड़े हुए दिल दहला देने वाली वारदात। पति के सामने सड़क पर चाकू मारकर गर्भवती महिला का कत्ल। नंदोई पर है महिला की हत्या का आरोप। वारदात के बाद देर तक सड़क पर तड़पती रही महिला। बदहवास पति देता रहा दिलासा। सूरत में आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। घायल महिला की मदद के लिए आगे नहीं आए लोग। मोबाइल में कैद करते रहे तस्वीर। कुछ ही देर में महिला ने तोड़ा दम। दिल्ली में जनकपुरी के आप विधायक राजेश ऋषि के भाई पर पड़ोसी से मारपीट और बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गाजियाबाद के फुरकान हत्याकांड में बड़ा खुलासा। एक लोकल अखबार में काम करने वाले शख्स ने एमबीए की दो छात्राओं के साथ मिलकर की थी हत्या। फुरकान से लिए 70,000 रुपए नहीं चुकाना चाहता था राज। पार्टी के बहाने एमबीए छात्राओं के साथ फुरकान का एमएमएस बनाने की रची थी साजिश। नाकामी पर घोटा गला राज सर ने घोटा।
ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मैंने उसके हाथ पकड़ रखे थे, करिश्मा ने उसके पैर पकड़ रखे थे। गाजियाबाद के कवि नगर में 25 साल की महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने पति पर गला घोंटने का आरोप लगाया। इंदौर में 72 साल का एक ओशो भक्त बलात्कार और हत्या के केस में गिरफ्तार, 55 साल के रिश्तेदार की रेप के बाद हत्या का आरोप। गुड़गांव में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला ने पति के साथ मिलकर किया हंगामा, चलती गाड़ी में मोबाइल पर बात करने पर पुलिस ने रोका था। महिला ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर छेड़खानी और गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। ट्रैफिक पुलिस से जमकर बहस, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हुआ बड़ा हादसा, समंदर में नाव डूबने से 9 लोगों की मौत। गुवाहाटी में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, खानपारा इलाके में NH-37 पर तोड़ा गया अतिक्रमण। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुएं में गिरा तेंदुआ, 6 घंटे में किया गया रेस्क्यू। मुंबई में एक फैशन इवेंट में बिग बी ने रैंप पर किया वॉक, ब्लैक ड्रेस में आए नजर। फैशन इवेंट में वरुण आलिया की जोड़ी ने भी किया कैट वॉक। शाहरुख खान को मिला यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, इस मौके पर शाहरुख ने कंगना के साथ भंसाली की फिल्म ठुकराने की खबर को बताया अफवाह। रानी मुखर्जी के अपने पति आदित्य चोपड़ा की फिल्म से कमबैक की चर्चा गर्म, साल 2014 में मर्दानी के बाद से रानी ने नहीं की कोई फिल्म। ऑस्कर से पहले लॉस एंजलिस में डिनर पार्टी में नजर आई प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेक्सिको सीमा पर प्रस्तावित दीवार का निर्माण वक्त से पहले किया जाएगा शुरू। इस साल व्हाइट हाउस की तरफ से पत्रकारों के डिनर में शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। ट्रंप ने कहा दुनिया से इस्लामिक स्टेट को पूरी तरह नष्ट करने की योजना पर भी अमेरिका गंभीर, आईएसआईएस के खात्मे के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। इराकी फौज ने मोसूल की लड़ाई को किया तेज, शहर के प्रमुख पुल पर कब्जे के लिए जबरदस्त गोलीबारी। पाकिस्तानी फौज की आतंक के खिलाफ मुहिम में 4 और आतंकी ढेर, 200 जगह मारे गए छापे में 600 संदिग्ध गिरफ्तार।